मथुरा में खबर भेज दी कि देवकी का सातवां गर्भ जो था वो खंडित हो गया। अब चले आठवें गर्भ में स्वयं भगवान। आ गया समय जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार को चले भगवान और कंस इधर सबको सतर्क करने लगा। आ गया है समय कुर्बानी का, ये वक्त आना कानी का नहीं आया। एक एक पहरे का लगता था दस दस बीस बीस लग जा, जागते रहो एक दूसरे को आदाब देते रहो, सोना नहीं सोना नहीं, खड़े रहना बिल्कुल तैयार। जैसे ही मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना, इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल मारा गया, कंस अमर है अमर। कंस इधर तैयारियों में लग गए, ऐसा ही नहीं है। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, चले भगवान पानी बरस रहे धीरे धीरे। अब जब भगवान चले पहरेदार सो गए, इतने में उस जेल की वो चमकी उठी दीवार, वो कैदी भक्तन के यहां प्रभु आए जगदाधार। जेल की दीवार चमकने लगी, वसुदेव कहने लगे प्रभु जे नहीं मालूम पड़ रहा कि हम स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग खुद चल के हमारे पास आ गया। भगवान की तस्वीर देखी, बोले हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान बोले भक्त हम सेवा कराने नहीं बल्कि तुम्हारी सेवा करने को आए हैं। अब मेरे पास समय नहीं है, अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो, राती ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। हो सके तो रात ही रात में नंद बाबा के यहां गोकुल में छोड़ आना। ये बात कहने के बाद भगवान एक जरा से शिशु बने हैं और आ गए देवकी की गोदी में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये बच्चे खड़े ना हो, व्यवस्था वाले जो भी लोग हैं अपनी अपनी व्यवस्था बनाए रखे भैया, कोई खड़ा नहीं होगा, अपनी अपनी जगह पे ही बैठे रहोगे। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये भी अपनी व्यवस्था देखे रहे, किसी को खड़ा ना होने दे। ये बच्चे इधर काय को खड़े हो गए। वसुदेव से देव की बोली है, महाराज मेरे इस बच्चे को बचा लो। कहने लगे हथगड़ी बेड़ियां खुल जाए देव की तो जरूर कोशिश करेंगे। कहने की देर थी, हथगड़ी बेड़ियां खुली नजर आई, पहरेदार सोते हुए दिखाई पड़े, वसुदेव दबे पांव निकली गई बाहर। ऐसा ही नहीं सोता हो कि
लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। अम्मा की ममता खड़ी देखती रह गई। अभी नहीं, अभी देर लगेगी, अभी रुको, अभी नहीं। ये माताएं मैंने जो खड़ी हो रही हैं वो देखें और चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाएं। मैंने बोला व्यवस्था वाले जो भी भैया लोग हैं, भाई अपनी व्यवस्था देखो। अरे रुक जा, ये काय को फेंक रहे हो भैया? ये गुलाल फेंका नहीं जाता है, सिर्फ सबके टीका लगा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं टीका लगाएंगे, फेंकेंगे नहीं। ये जो माता बहने हैं वो देखती जाए, बैठती जाए। बैठती जा। ये भैया व्यवस्था वाले हो, बिना मतलब में घुसे हो, काहे मत साहब? इन लड़कों को यहां से अलग करो, यहां से अलग दूर करो। ये सोच कर कोई यमुना जो है चढ़ी आई जमुना, चढ़ी आई जमुना, अब तक देखो सोया चके चढ़ी आई जमुना। बैठती जा। वसुदेव जब यमुना मैया फान भरती हैं, वसुदेव के घुटनों तक जल था, फिर कमर तक पहुंच गया, फिर छाती तक पहुंच गया, फिर मुंह में पानी जाने लगा। वसुदेव सोचे लगे आगे बढ़त तो यमुना जल गहरी, आगे बढ़े यमुना जल गहरी, आगे बढ़ रहे पानी में डूब रहे। सोचा पीछे हटने पा, पीछे हटे पठालो के हरी, पीछे शेर खड़ा है। अरे आगे बढ़त जमुना जल गहरी, पीछे हटे पठालो गहरी। टिकाइयो यमुना मैया ने स्पर्श पायो, सोई के चरण पांच मई अपना हसी गवासी बैठती जाओ। मार पाएगी? कंस बोला हाँ, जानते ये लड़की हमें नहीं मार पाएगी। अगर इस लड़की के लड़का ने मार दिया तो अब भैया हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही कंस ने उस लड़की को मारना चाहा तो लड़की हाथ से छूटी गई और आकाश मुड़ गई और चिल्लाने लगी, कंसराज तू हमें क्या मारेगा, तेरा काल गोकुल में पैदा हो गया। और बोले तेरे दुश्मन को अपनी रहे या तब नंसी को
तू हमें क्या मारेगा? तेरा काल गोकुल में पैदा हो गया कंस, जिसके हाथ से तेरी मौत निश्चित है। तू हमें क्या मारेगा? तेरा काल गोकुल में पैदा हो गया, जिसके हाथ से तेरी मातृ सिद्ध है। दो कंस ने ये शब्द सुने, एकदम से देवकी के पैरों पे गिर पड़ा, माफ करना बहन, तुम्हारी गोदी भी खाली हो गई, मेरा काल भी नहीं मरा बहन, मुझे क्षमा करो। तो वसुदेव कंस को समझाने लगे, कंस सुनो, तुम एक बात भूल रहे हो। काई की? तो बोले कि मोती का समय जो निश्चित है, अब उसी समय पर आएगी। हे भोजराज, मोती का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी, जिस समय भोजराज, मोती का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मोती आ जाएगी, एक घड़ी न टलने पाएगी। बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चले बे ही की तैयारी है, और वो चल देता है बिना कहे, जिसकी जिस दिन की बारी है। कंस उठा दरबार में पहुंचा, सबसे कहने लगा है बहादुरो, चले जाओ गोकुल की तरफ, दो चार दिन का कोई भी बालक अगर तुम्हें मिलता है तो उसे पकड़ के मार देना, उसमें मेरा काल भी जिंदा है। इधर कंस के दुराचारी दौड़े, और इधर जब सवेरा हुआ, यशोदा की आंख खुली, भगवान को पास लेटा हुआ देखा, बात खुश भई। खबर पाते ही पाते